आपने अक्सर देखा होगा कि आप अपनी बाइक या स्कूटी कहीं दुकान के बाहर, किसी लॉन में, किसी गैरेज के बाहर, किसी होटल के बाहर या किसी सड़क पर, आम सड़क पर खड़ी कर देते हैं, और कुछ पलों के बाद जब आप लौटते हैं तो आपकी बाइक या स्कूटी वहाँ पर नहीं होती, यानी कि वो चुरा ली जाती है। कई बार चोर क्या करते हैं कि कागज़ वाली देखा कि जिस गाड़ी के कागज़ पूरे हैं तो उसे वो उठाते हैं, और कई बार ऐसे जब कई बार जब पहले चोरी की जो पहले की घटनाएं हुई उनमें अक्सर देखने में आया कि ऐसे चोर जिनके कागज़ पूरे नहीं होते थे तो वो चोरी की जो बाइक या स्कूटी होती थी वो कबाड़ी को भेज देते थे। लेकिन अब चोर इतने सयाने हो गए हैं कि अब उन बाइकों को चुराने में वो जी जान से लुटे हैं जिनके कागजात पूरे हैं। यानी कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर आपकी गाड़ी के कागज़ पूरे हैं, यानी कि आपकी आरसी है, आपका लाइसेंस, सारा कुछ अगर आपकी बाइक के अंदर है, स्कूटी के अंदर है, तो आप फिर उसको सहज कर खड़ा करिए और सजग रहें। उसको खड़ा करने के बाद आप लापरवाही ना बरतें, कहीं ऐसा ना हो कि कागजात समेत आपकी बाइक को शातिर बदमाश चोर उठा ले जाए। यही एक मामला करनाल में उजागर हुआ है, हरियाणा के करनाल, यानी कि सीएम सिटी करनाल में। करनाल पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ऐसे बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया जो कागज़ समेत बाइकों को उठा लेते थे। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को काबू किया। फिलहाल अभी तक एक आरोपी भी फरार चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में चोरी की 27 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। आपको यहाँ बता दें कि इन पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी मैकेनिक भी है, यानी कि इतना शातिर है कि वह उन मोटरसाइकिलों की चोरी करता था जिनकी आरसी होती थी ताकि उसे बेचने में कोई दिक्कत ना आए, और वह लॉक खुली वह दूसरी चाबी लग जाने वाली मोटरसाइकिल को निशाना बनाता था। पुलिस पूछताछ के अंदर आरोपी सोनू ने बताया कि वह इस तरह की वारदात को अंजाम देता था। इस आरोपी पर जिला करनाल और पानीपत में चोरी के मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस द्वारा इस आरोपी पर जिन मोटरसाइकिलों की चोरी के मामले दर्ज नहीं हैं अब उनका पता लगाया जा रहा है। बीती 28 सितंबर को करनाल पुलिस की क्राइम यूनिट एंटी ऑटो थेफ्ट टीम के द्वारा एक आरोपी को करनाल के असंध क्षेत्र से काबू किया गया था। काबू किए गए आरोपी का नाम सोनू बताया जा रहा है, जो गांव बरसत से उसने बरसत से एक चोरी की बाइक चुराई थी जो पुलिस ने पूछताछ के दौरान उनसे बरामद की। आरोपी का पुलिस ने अदालत से फिर रिमांड हासिल किया। रिमांड के बाद आरोपी से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने पुलिस के आगे सब कुछ उगल दिया। रिमांड के दौरान आरोपी ने अपने साथी रवि, गांव बरसत का रहने वाला है, आरिफ वो भी गांव खारगन, ये उत्तर प्रदेश की शामली का है, उसका भी खुलासा किया, यानी कि दो नाम का उसने खुलासा किया कि दो उसके साथी थे। जिसके बाद पुलिस ने फिर उन स्थानों पर भी छापामारी की और आरोपी के साथ एक उसका एक साथी और था रवि, उसको चोरी की एक बाइक समेत खरोंडा से गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी आरिफ अभी तक फरार चल रहा है। पूछताछ के दौरान आरोपी सोनू ने बताया कि वह एक मोटरसाइकिल का मैकेनिक है और गांव बरसत में उसकी बाइक मैकेनिक की दुकान है। आरोपी दुकान पर ही बाइक सेल एंड परचेज का काम भी करता था। वह अलग अलग जगहों से मोटरसाइकिलें चोरी करके लाता था और अपनी दुकान पर ही उन मोटरसाइकिल को बेच डालता था, जिससे रवि और आरिफ मोटरसाइकिल को खरीदते हुए आगे लोगों को बेचते थे। आरोपी ने खुलासा किया कि उसने 10 मोटरसाइकिलें तो अकेले, यानी कि करनाल के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से चुराई और 17 मोटरसाइकिल उसने जिला पानीपत के क्षेत्र से चोरी की थी। आपको यह भी बताते चले कि आरोपी रवि पहले भी मोटरसाइकिल चोरी के मामले में जेल जा चुका है, जो कोरोना काल में जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ था। आरोपी आरिफ के घर से चोरी की 4 मोटरसाइकिल और बाकी मोटरसाइकिल आरोपी सोनू व रवि के कब्जे से बरामद कर लिए। दोनों आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश कर अब जेल भिजवा दिया और फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। देखिए करनाल से समाचार एक्सप्रेस की यह विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सन्नी चौधरी और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। करनाल पुलिस द्वारा 2 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। ये हमारे करनाल जिले के कप्तान साहब और हमारे इंस्पेक्टर साहब दीपेंद्र राणा जी, इन्होंने हमारे शहीद वन में एंटी ऑटो थेफ्ट बनाया जिसका इंचार्ज मेरे को लगा रखा है। हमने गुप्त सूचना के आधार पर 18 तारीख को असंध के पास से एक लड़का है बरसत का रहने वाला जिसका नाम सोनू है, इसको चोरी की मोटरसाइकिल सहित ये बेचने की फिराक में था, हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछताछ करी तो इसने 27 मोटरसाइकिल अकेले ने चोरी करना मानी और इसने बेचना बताया
जो ये का सेल परचेज का और उसका काम करता है, मिस्त्री है मोटरसाइकिल का। इसने और बताया जो जिसको इन्हें बेची, इसका एक साथी है यू रवि है, इसके गांव का ही रहने वाला, इसको गिरफ्तार किया। और एक इसका साथी आरिफ है खरगान यूपी का रहने वाला, उसको हमने गिरफ्तार करा है। मोटरसाइकिलें 10 मोटरसाइकिलें तो ऐसी हैं जो करनाल जिले से चोरी हैं, हमारे थाना शिवलानी में मुकदमे दर्ज हैं, 10 किताब मिली। बाकी पानीपत से हैं, उनको पानीपत पुलिस को हम सूचित करेंगे। आज इनका पुलिस रिमांड समाप्त है, तो पुलिस इसको इनको प्रोटेक्शन वारंट पर लेगी। और अपनी वो और साथी भी हैं सर इनके? नहीं, हाँ एक साथी खरीदने वाला बच रहा है, बाकी तो जो चोरी करने वाले थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले जो यू एक खरीदने वाला है रवि, ये जो मोटरसाइकिल चोरी में जेल में रहा है, ये कहाँ का रहने वाला? ये बरसात का रहने वाला है। कुछ लोगों से कहना चाहेंगे? हाँ, आप लोगों के माध्यम से हम तो लोगों को कहना चाहेंगे भाई, अपने एक तो जहाँ पेड पार्किंग है पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें। अगर चोरी टारगेट तकरीबन ये करते हैं जहाँ पार्किंग अनपेड है वहाँ से। इसमें देखा जाए सारी स्प्लेंडर बाइक है। हाँ स्प्लेंडर बाइक है जी, और स्प्लेंडर बाइक जो पुरानी हो जाती है उसके लोक में कोशिश, मतलब स्प्लेंडर जो कोई भी टारगेट करते हैं जिस गाड़ी का लोक नहीं है उसको टारगेट करता है ये चोर दो, और जिसके अंदर कागज हैं, अगर कागज नहीं है तो चोरी करके भी छोड़ देता है उसको। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.